लोग टेक्निक से नहीं खानिएगा हाई जंप नहीं होगा। टेक्निक क्या है पता है? पहला नंबर तो आपको पता करना होगा कि हमको लेफ्ट या राइट पे रुकता है, तो कैसे पता करेंगे? एक होता है कि खड़ा होकर उसको पीछे से खेला जाता है, तो पहले पैर कौन आता है तो समझिए पहला दहना आया तो राइट साइड है, अगर लेफ्ट आया तो लेफ्ट साइड है। लेकिन कुछ परसेंट ऐसा लड़का होते हैं कि आपका पैर जाता भलो है राइट, लेकिन आएगा उसका लेफ्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका डाउटफुल है, लेकिन आपको ऐसे पुश करने के बाद आपको पता चल जाता है, मतलब तो समझ गए। किसी आदमी को हम खेलते हैं तो जिसका पैर आगे आता है जौन सा, या बाया पहले आया तो इधर जाएगा, दहना आएगा तो इधर जाएगा। समझ गया सभी लोग? समझा? ये पता करना है कि हमारा पैर कौन सा जाता है। दूसरा चीज, जैसा ही ये पता हो गया तो हम अपना साइड पकड़ लेंगे, साइड मतलब अपना राइट और लेफ्ट, इसका लेफ्ट है लेफ्ट जाएगा, राइट है वो राइट जाएगा। उसके बाद वो खेला खत्म हो गया, उस आदमी को याद हो गया, वो सब अब याद रखना नहीं। याद क्या चीज रखना है? तीन चीज। पहला, ये डंटा की दूरी जमीन का कितना फीट से दूर से मारेंगे जंप तब हमारा लैंडिंग अच्छा होगा। समझ रहा है? ये डंटा है और डंटा की कितने दूरी होगा तो हाई जंप हमसे अच्छा होगा। तो हाइट के अनुसार होता है, चार 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 आठ पाँच, जैसे ही पाँच फीट जाएगा तो उसका दूरी बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? अढ़ाई से तीन फीट की दूरी में मारेंगे तो चार चार तक आपका हाई जंप अच्छा जाएगा। मतलब डंटा से अढ़ाई फीट कैसे पता करेंगे भाई? ये डंटा है, हमको लगता है मैक्सिमम हर आदमी का जूता एक फीट से थोड़ा ही कम होता है, लगभग एक फीट होता है। तो जूता से दो बार इसको हाफ नाप के यहाँ पे गोल मारेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे लेफ्ट वाले को इधर से वो डंटा देख के जंप मारने का, और राइट वाले को ये डंटा को जंप देख कर मारने का। समझ गया? वहां से चलेंगे तो कभी भी जमीन देख के जंप इधर मारना, इधर देखना है, ये डंटा को कभी जिंदगी में नहीं देखना। जब ही डंटा को देखोगे तो डर लग जाएगा, जैसे ही डर लगेगा पैर नहीं उठेगा। अभी हाइट कम है तो उठ जाएगा, लेकिन जैसा ही हाइट बढ़ेगा नहीं उठेगा। तो कहाँ देखना है? आगे, जहाँ तुम्हारा लैंडिंग है, मतलब जंप के बाद कहाँ लैंडिंग करना है उसको देखना है, नहीं तो ये पोल को देखना है, उधर वाले ये पोल को, इधर वाले वो पोल को। जंप मारने के टाइम कभी भी डंटा नहीं देखना है। दो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट क्या हुआ? डंटा से कितने फीट की दूरी होनी चाहिए? अढ़ाई से तीन फीट की दूरी होनी चाहिए। फ्रंट वाला का चार फीट की दूरी होनी चाहिए, जो फ्रंट मारता है सीधा। ठीक है, उसको बताया जाए कैसे मारना। तीसरा जो है, जंप जब हम चालू करेंगे तो उधर से कितने लोग को देखते हो, पूरा स्पीड में आता है, और डंटा के पास आने के बाद जंप मतलब लेने से पहले स्लो हो जाता है। तो कभी भी देखे हो स्लो होकर जंप अच्छा होता है? रुकने के बाद जंप कर सकते हो अच्छा, नहीं करोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां से उधर से ही स्लो आना है, आगे जाके और फास्ट होना। दिक्कत क्या होता है, उधर से फास्ट चले, यहाँ पते नहीं चला कि पैर कहाँ रखना है, बॉडी रुक गया, रुका जंप हो नहीं करेगा। उधर से थोड़ा स्लो, इधर आके फास्ट, इससे क्या होता है जंपिंग आपका अच्छा होगा। जब भी जंप करना है तो टॉप पे दबाना है बायां पैर, उधर से चलेंगे तो बायां पैर दबेगा, इधर से चलेंगे तो दहना पैर दबेगा, और पैर कभी भी सीधा ऐसे मत मारना, पैर ऐसे फोल्ड उठाना। ठीक है, अभी एक्सरसाइज ये भी एक्सरसाइज करवा रहे थे तो उस सब एक्सरसाइज में शामिल था, ये करवा रहे थे, पैर सीधा करवा रहे, ये खोलने के लिए, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक नहीं होगा, उसका भी एक्सरसाइज होता है हम बताएंगे। तो क्या करना है, जब भी जंप लेंगे तो पैर ऐसे फोल्ड करके उसके बाद जंप लेके इसको अंदर डालेंगे। क्या करेंगे? ये अंदर डालेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे ही यहाँ से जंपिंग होगा तो दहना पैर जाने को रहेगा तब तक बायां पैर हवा में हो जाना चाहिए, ये नहीं कि बायां पैर यहाँ पे जमीन पे है दहना पैर अंदर घुस गया, उससे क्या होगा हिप आपका सट जाएगा। जंप लेने के टाइम बॉडी पीछे नहीं ले जाना है, बॉडी को आगे रखना, आगे रखने के बाद आगे लैंडिंग होगा, पीछे कीजिएगा तो हिप सटेगा। ठीक है, अब कभी भी पैर ऐसे सीधा करके जंप मत मारिएगा, जब ऐसे मारिएगा ना सीधा करके तो क्या होगा हिप जो आपका नीचे भागता है आगे नहीं भागता है, लेकिन फोल्ड करके मारिएगा तो बॉडी आपका आगे भागता है, तो क्या होगा फोल्ड के बाद फिर सीधा कीजिएगा तो आराम से लैंडिंग होगा। समझ रहे हैं सब लोग? किसी को डाउट है? अगर कोई चीज का डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट? कोई लड़की को भी नहीं? फ्रंट वाला में क्या करना है, ये दूरी चार फीट बढ़ जाता है, तो मान लीजिए यहाँ से मारेंगे तो अगर बायां पैर से मार रहे हैं, सॉरी बायां पैर से मार रहे हैं, तो ये पैर ऐसे दबेगा और दहना पैर ऐसे सीधा उठेगा, कभी भी ऐसे नहीं, दोनों पैर ऐसे मत ले जाना, नहीं तो क्या होगा मुंह कान झड़ जाएगा। कभी भी यहाँ पैर को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, बायां पैर से मारे तो पैर ऐसे होगा, दहना पैर से मारेंगे तो पैर ऐसे आएगा। ठीक है, देख रहे हो, और उसके बाद पैर को ऐसे सीधा करना, ऐसे ऐसे देखो ऐसे चले, यहाँ से गए ऐसे जाना, कभी भी पैर को इस तरह से
और देखो ये हो गया, कस के लग गया, ये दहना हो गया, अभी बायस ने मारे, दहना हो गया तो दहना पैर को दबाएंगे, ये वाला सीधा उठाएंगे, कभी भी ऐसे सीधा थोड़ा सा घूम के मारोगे फ्रंट अच्छा जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता, कुछ लोग का देखोगे ना ऐसे मारेंगे, ऐसे ये जंप नहीं होगा, इतना हूँ कर लोगे जंप नहीं होगा, ऐसे वो कर रहा, कभी भी पैर पहले सिंगल उठता है और दूसरा पैर को अंदर छथाई के पास सटाने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे गया और ये पैर को अंदर, तब आराम से जाएगा। चलिए अपना अपना जगह पकड़िए, जगह पकड़िए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टूटल है फोटो आगे से, तब वीडियो बन राहुल रहला ग्राउंड में दो बोलता है ना तो बस निशान गर्दनी वाला दिखता है, केकरो औकात नहीं बहन चल हमारे सामने टैक्टिक है, समझ रहा है ना, तो बस टिकना है तो मेरे अनुसार चलिए, नहीं तो पड़ जाइए। तैयार देखो, अब ये डंडा है, वो इधर से मारेगा, एक दो, दो से रहा कितनी दूरी, ये हो गया एक दो, रायपिट की दूरी ये हो गया, देख लो सर्कल के अंदर से मारना, जिसका सर्कल में पैर जाके जंप जाएगा फोल्ड उसका जंप अच्छा होगा, जिसका दूरी पीछे रहेगा वो पैर सटेगा, समझ गए, तो लाइन से फंते जाइए, अरे इसको स्टार्ट करो यार, मत समझो गलत, ये सही तेजी में खींच, तेजी में क्या बोलो, वहाँ लैंडिंग में लैंडिंग आगे होगा, तेज तेज और तेज, गलत है और पैर उठना चाहिए, सही है, चल पैर नहीं उठा जी, गलत है, गलत है, ना यार आगे लैंडिंग होना चाहिए, गिरेगा उधर आगे, एक बार में इतनी बार दोबारा जाना है, लजाना नहीं है, क्या छोटा मार रहे, बेस्ट वही कहलाता है जो नीचे से एक से लेकर सीखता है, दस डायरेक्ट जो सीखता है ना डायरेक्ट पीछे भी जाता है, बताया ना, बहुत अच्छा झुमक ही है, चार मार इतना छोटा है, अपना ठीक है, अपने कोशिश करो ना, कोर 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 राहुल
तार वाला फेदा भी पूरा इसको अंदर लाना ऐसे सीधा क्यों ले जाते चल रहा यार पुलिस इसका आया जल्दी हो गया चलो इधर वाला ऑफिस लड़की इधर आ फिर लड़का जाएगा आओ इधर सीधा ऐसे दौड़ हाँ बहुत अच्छा चल आ गए यार जल्दी है लड़का रुक जाओ हाँ लड़की जल्दी आ सीधा मार रही पैर उठा पहले एक वो तिरछा लो जी अंदर पैर ऐसे डाल लड़का लोग गलत है फ्रंट भाई आ रहे थे यार साइड से निकलो कैमरा के पास से मत निकलो यार कभी इधर से कभी उधर से कर रहा है ठीक है सर।